दोस्तों क्या आपको पता है जो आप घर में नॉर्मली कॉफी पाउडर को यूज करते हो उसको रोस्टेड कॉफी बीन से तैयार किया जाता है, जिससे उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट होती है वो कम हो जाती है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कॉफी के एक कप की, इसमें तकरीबन 70 मिलीग्राम कैफीन होता है और डेली बेसिस पे इतनी अमाउंट में कैफीन आपकी बॉडी के लिए सेफ नहीं है। लेकिन अगर आप कॉफी लवर हो तो आपके लिए है एक अच्छी खबर, क्योंकि एक ब्रांड है जिसका नाम है सोफोला 50, उसने कुछ टाइम पहले एक ग्रीन कॉफी नाम का प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज किया है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह यूज करना होता है इस ग्रीन कॉफी को, इस ग्रीन कॉफी में और हमारी नॉर्मल कॉफी में क्या फर्क होता है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए कौन सी कॉफी सही रहेगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अगर आप इतने टाइम से कॉफी पीते आए हो तो आपको एक चीज का पता होगा कि अगर हम कॉफी में बिना कुछ ऐड किए उसको डायरेक्टली कंज्यूम करें तो इसका जो टेस्ट होता है वो काफी खराब होता है, काफी कड़वाहट भरा टेस्ट उसका रहता है। और कॉफी का जो टेस्ट है वो कड़वा इसलिए होता है क्योंकि उसको डायरेक्टली रोस्टेड कॉफी बीन से तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें ऑटोमेटिकली कड़वाहट आ जाती है। और अगर हम कंपेयर करें दोनों कॉफीज को, सो एक साइड है मेरे पास ये ग्रीन कॉफी बीन्स का पाउडर और दूसरी साइड है ये रोस्टेड कॉफी बीन से तैयार किया गया पाउडर। तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि जो ग्रीन कॉफी है ये हमारी सेहत के लिए ज्यादा हेल्दी होगी एज कम्पेयर टू ये हमारी नॉर्मल कॉफी, क्योंकि दोस्तों जब कॉफी बीन्स को रोस्ट किया जाता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। और आपको बता देता हूँ कि जो ग्रीन कॉफी है इसमें 3 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू ये नॉर्मल कॉफी, तो ये एक मेन रीजन है ग्रीन कॉफी को कंज्यूम करने का। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस तरह कंज्यूम करना होता है इस ग्रीन कॉफी को। तो उसको कंज्यूम करना काफी आसान बन जाता है, जस्ट इसका जो बॉक्स है इसमें से अपने 1 सेकंड को निकाल लेना है और फिर अपने एक कप लेना है और उसमें अपने इस सेकंड को एम्प्टी कर देना है। उसके बाद आपको उसमें हॉट वाटर ऐड करना होता है और जैसे आप हॉट वाटर को ऐड कर देते हो उसके बाद स्पून की मदद से आपको उसको मिक्स कर लेना है और 1-2 मिनट तक आपको उसको वैसे ही छोड़ देना और फिर आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। और इस ग्रीन कॉफी को पीते हुए आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसका जो टेस्ट है वो नॉर्मल कॉफी का कंपैरिजन काफी अच्छा बन जाता है, क्योंकि इसमें कड़वाहट वाला टेस्ट नहीं होता, काफी अच्छी बात है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस ग्रीन कॉफी के कुछ और बेनिफिट्स के बारे में। तो इसका एक मेन बेनिफिट ये भी होता है कि वेट लॉस में ये काफ़ी हेल्पफुल बन जाती है। तो जो लोग वेट लॉस जर्नी में होते हैं वो मेनली प्रेफर करते हैं ग्रीन टी को, क्योंकि ग्रीन टी से आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन ग्रीन टी का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी खराब होता है। और अगर मैं बात करूँ इस ग्रीन कॉफी की तो नो डाउट इसे आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो वेट लॉस में एक काफ़ी अच्छा सोर्स बन जाती है। और इसका और बेनिफिट ये है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और प्लस ये जो सोफोला 55 की ग्रीन कॉफी है ये अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है, सो आप अपने हिसाब से फ्लेवर भी चूज कर सकते हो, तो आपके लिए ये भी एक ऑप्शन बन जाती है। और अगर बात करूँ इसके प्राइस की तो ये जो बॉक्स है इसकी क्वांटिटी होती है 30 ग्राम्स की, जिसमें आपको 15 सेकंड्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे इसको जो MRP प्राइस लिस्टेड है वो है 260 रुपीज, लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको ये 200 के आसपास की ही मिल जाएगी। और नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, अगर इसे खरीदना चाहते हो तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। और दोस्तों यहाँ लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए कौन सी कॉफ़ी सही रहेगी। देखिए अगर आपको ज़्यादा कैफीन की ज़रूरत रहती है, जैसे कि अपने माइंड को एक जगह फोकस रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम्स चल रहे हैं उसके लिए आपको स्टडी करनी है या फिर देर नाइट तक अपने आपको अवेक रखना है, तो वहाँ पर कोई ज़रूरत होती है ज़्यादा कैफीन की, उस केस में जो रोस्टेड कॉफी बीन से तैयार होती है उस कॉफी को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें हाई अमाउंट में कैफीन होता है। लेकिन अगर आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कॉफी ड्रिंक करते हो या फिर वेट लॉस के लिए या फिर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, सो इन केसेस में अगर आप कॉफी ड्रिंक करते हो तो वहां पे आप इस ग्रीन कॉफी का यूज कर सकते हो, तो आपको हेल्दी रखने में ये काफी अच्छा काम करेगी। और प्लस इसमें जो कैफीन कंटेंट है वो भी काफी कम होता है। अगर नॉर्मल कॉफी के एक कप में 70 मिलीग्राम कैफीन है तो इसके एक कप में तकरीबन 15 मिलीग्राम कैफीन होगा, सो कैफीन कंटेंट इसमें काफी कम रहता है। तो दोस्तों ये था सोफोला 55 की ग्रीन कॉफी का रिव्यू। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो अपने व्यूज हैं, सवाल हैं, वीडियो आपको कैसी लगी वो सब आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और भी काफी कुछ देखने को मिलेगा, सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए। मेरे इंस्टा का जो लिंक है आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे और नहीं मजदा वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।